आप लोगों ने हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत के बारे में सुना होगा। पौराणिक कथाओं में यह वर्णन किया गया है कि यह शिव जी का घर है और एक पवित्र स्थल है। कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक और झील पाई जाती है जिसे राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण राक्षसों के द्वारा करवाया गया था, और यह भी माना जाता है जब रावण शिव जी की आराधना कर रहा था तो उसने अपने शीशों का बलिदान दिया और इस शीश से निकले रक्त के द्वारा राक्षस ताल का निर्माण हुआ। राक्षस ताल झील की कुछ अनूठी विशेषताएं यह है कि सेम एल्टीट्यूड के होने पर भी मानसरोवर लेक एक मीठे पानी की झील है और राक्षस ताल एक खारे पानी की झील है। इस झील के आसपास कोई भी वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील को एक श्रापित झील कहा जाता है, इसलिए लोग यहां पर स्नान नहीं करते हैं, जबकि इसके विपरीत श्रद्धालु मानसरोवर झील के पास स्नान करने जाते हैं। और यह भी माना जाता है कि मानसरोवर झील में स्नान करने से आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे।